फोर से रिलेटेड दो ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इनके पीछे का रीज़न ये है कि ये इंफ्रा सेक्टर से बिलोंग करते हैं एंड गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रा साइड पे बहुत रहने वाला है। इसके साथ साथ हाउसिंग फॉर ऑल जैसी स्कीम भी जो है वो भी इन स्टॉक्स को आगे लेके जाएगी। इन दोनों में से एक स्टॉक ऐसा है जिसको रिसेंटली क्वांट के स्मॉल कैप फंड ने भी बाय किया है, एक क्वार्टर पहले ही बाय किया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड जो सेकंड स्टॉक है वो भी फंडामेंटली काफ़ी अच्छा स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक्स है, तो दोनों ही स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं। डिटेल में इन दोनों स्टॉक्स के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप देखेंगे कि गवर्नमेंट को का जो फोकस है वो इस बजट में रहने वाला है हाउसिंग फॉर ऑल पे एंड टैप वाटर सप्लाई फॉर रूरल होम्स, यानी कि जो ग्रामीण घर है उनमें जो नल से जल की प्रक्रिया है, नल से जल की स्कीम है, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी, जो कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत आता है। एंड इसको जो जल शक्ति मंत्रालय है वो एक डिफरेंट मिनिस्ट्री है, वो पर्टिकुलर इन सभी कामों को देखती है। इसके अलावा जो आज के स्टॉक है वो स्मार्ट सिटीज़ के भी बेनिफिशियरी होंगे, सिटी गैस पाइपलाइन, रेलवे, रोड, इंफ्रा, वाटर, इन सभी थीम्स पे गवर्नमेंट फोकस रखने वाली है अपने बजट पे। इन सारे ही पैरामीटर्स पे जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट करने वाली है एंड इन सारे ही सेक्टर में जो आज की दोनों स्टॉक्स हैं वो भी काम करते हैं। अब अगर इन दोनों स्टॉक्स के कुछ नॉर्मल पैरामीटर की बात करें तो ये दोनों ही स्मॉल कैप कंपनी है जो कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रो करने का पोटेंशियल रखती है। साथ ही साथ इनके अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1700 से 2500 करोड़ मार्केट कैप के बीच की कंपनी है, जो कि अगेन ऐसी 2500 करोड़ के आसपास की कंपनीज अगर फ्यूचर में मल्टीप्लाई करती है अपने मार्केट कैप को तो वहाँ से ये कंपनी 5000 करोड़ 10000 करोड़ तक की हो सकती है। एक और पैरामीटर जिसको वीडियो बनाते टाइम ध्यान में रखा गया वो है कंपनी लो डेट हो, कंपनी पे लो डेट हो या डेट फ्री हो। जब कंपनी डेट फ्री होती है तभी वो अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज कर पाती है, अपने काम को प्रूव कर पाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये स्टॉक है तो इनकी ऑर्डर बुक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। दोनों ही स्टॉक्स की जो है ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी नज़र आती है। जो पहले इन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं वो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं। थीम जो है सनराइज थीम है, नए ऑर्डर इनको ऑलरेडी मिल रहे हैं। इसके अलावा मार्केट प्रेजेंस इनकी अच्छी है, हाई आरओई वाले स्टॉक है एंड काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल है। तो पहले स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वो है विष्णु प्रकाश आर पुगलिया। अगर इस स्टॉक की बात करें तो ये सितंबर 2023 में ही लिस्ट होता है 172 के प्राइस पे एंड आज के प्राइस की बात करें तो अराउंड 187 है, यानी कि पिछले अराउंड 10 मंथ्स में इस स्टॉक ने ओनली 8% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इनका जो IPO आता है वो भी सितंबर 2023 में आया था, उस टाइम जो इनका IPO प्राइस था वो 99 था, यानी कि अगर वहाँ से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी 88% अपसाइड पे नज़र आता है। लेकिन जिस प्राइस पे लिस्टिंग होती है लगभग उसी प्राइस पे ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 17 के PE पे नज़र आता है। मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी अभी अराउंड 2300 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। कंपनी मेजरली चार सेगमेंट में काम करती है, जिसमें से पहले की बात करूँ तो वो है वाटर सप्लाई का, सेकेंड है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, देन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का, देन फोर्थ है इरीगेशन से रिलेटेड। तो इन सभी सेगमेंट में कंपनी काम करती है एंड गवर्नमेंट का फोकस भी बजट के दौरान इन्हीं चार सेक्टर पे आपको देखते हुए मिलेगा। अब अगर इस कंपनी की बात करें तो ये 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एक लीडिंग एंड फास्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है जो कि 3 decades से इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम कर रही है। अब आप काफ़ी अच्छा एक पॉइंट देखेंगे कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप था वो आप देखेंगे कि अराउंड 2300 करोड़ का था, बट इसकी जो ऑर्डर बुक है वो आप देखेंगे 4717 की ऑर्डर बुक आपको नज़र आती है। तो काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है, इवन इसके मार्केट कैप से डबल की इनकी ऑर्डर बुक नज़र आती है। वाटर सप्लाई के जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा पहले भी काम किया है, तो एक तरीके से इसको हम एक्सपर्ट मान सकते हैं इस पर्टिकुलर काम में। साथ ही साथ ये कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, यानी कि जितने भी जिस पर्टिकुलर वैल्यू चेन में ये काम करती है उन सारे ही काम में इनकी खुद की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ इनका क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है। पिछले 3 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ देखी जाए तो वो 78% की है, पिछले 3 सालों की एवरेज आरओई भी 25% की है, यानी कि शानदार आरओई वाला ये बिजनेस है। साथ ही साथ डेट फ्री भी आपको ये स्टॉक नज़र आएगा, तो मुझे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लगता है। अगर प्रेजेंस की बात करें तो 10 states एंड 1 UT में इस पर्टिकुलर स्टॉक की प्रेजेंस है।
मार्केट कैप के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, स्टॉक का पी करंटली 19 पे नजर आता है, 188 के प्राइस पे नजर आती है, एंड साथ ही साथ अगर देखें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो वो 24% का नजर आता है। अब अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 23.6% का रिटर्न ऑन इक्विटी है इस स्टॉक का। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.55 का है, यानी कि ये एक लो डेट कंपनी है। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे पिछले 3 सालों की, तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने अपनी सेल्स को 44% से ग्रोथ किया है, एंड अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 86% से ग्रो किया है। जहां इसका पी 19 का है वहां पी जी रेशो 0.33 का है, यानी कि ये एक बाइंग के फेवरेबल कंडीशन पे खड़ा हुआ स्टॉक नजर आता है। अब अगर इसके ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अराउंड 4717 की इनकी ऑर्डर बुक है। रिसेंटली 17 जून को ही, यानी कि कल ही, कंपनी को एक अराउंड 90 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बीकानेर की तरफ से। अब अगर क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो मार्च 2023 में कंपनी का जो टोटल सेल्स थी वो 456 करोड़ की थी, वो बढ़ के 657 करोड़ हुई है, एंड जो नेट प्रॉफिट पिछले साल के इसी क्वार्टर में था 40 करोड़ का, वो बढ़ के 67 करोड़ हुआ है। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से ग्रो किए हैं, एंड कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा है। अब अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी की 2020 में सेल्स थी वो अराउंड 372 करोड़ की थी, वो बढ़ के 1474 करोड़ की हुई है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी कंपनी ने अपने आप को इम्प्रूव किया है। 2020 में 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था, वो 40% से बढ़ के 14% हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी अभी अपने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, यानी कि 122 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने इस बार दर्ज किया है, जो कि काफ़ी शानदार नज़र आता है। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास भी हाईएस्ट होल्डिंग नजर आएगी 67% की। एफआईआई के पास अराउंड 1.11% की होल्डिंग है, एंड पिछले 3 क्वार्टर से एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को कम भी किया है। अब अगर डीआईआई की बात करें तो डीआईआई की होल्डिंग अराउंड 4.16% की है, जिसमें आप देखेंगे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड के पास अराउंड 4.08% का स्टेक आपको नजर आएगा। अब अगर सेकेंड स्टॉक की बात करूँ तो सेकेंड स्टॉक है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में काम करने वाली कंपनी है। अक्टूबर 2020 में लिस्ट होने के बाद से इस कंपनी ने अराउंड अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 6 times किया है। मार्केट कैप की बात करें तो 1.72 यानी कि 1700 करोड़ मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे काम करती है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन पे काम करती है, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड सर्विसेज देती है, एंड टैंकीज पे भी ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी की प्रेजेंस की बात करें तो ये 20 स्टेट्स एंड 2 UT में काम करती है, जो कि 1998 से इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही है। जैसे कि ये कंपनी की मार्केट कैप की हमने बात करी, अराउंड 1700 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन इस कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो लगभग इतनी ही ऑर्डर बुक, यानी कि 1600 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक कंपनी के पास करंटली नज़र आती है। अब अगर इसके कुछ फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो ये 26 के पीई पे नजर आती है, एंड आरओसी एंड आरओई दोनों ही काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं, जहाँ पे आरओसी 30 से भी ऊपर का है तो रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 23% का है। पीजी रेशियो देखेंगे तो 0.87 का है, यानी कि ये स्टॉक भी अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग सही वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ नजर आता है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये कंपनी 0 debt कंपनी है, यानी कि कोई डेट इस कंपनी पर नज़र नहीं आता है। पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो किए हैं। अब अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो सेल्स ऑफ सर्विस से ही इनका मेजर रेवेन्यू आता है, जो कि 99% है। एक्सपेंशन से रिलेटेड बात करें तो ये कंपनी 400 किलोमीटर पर ईयर ऑयल एंड गैस पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करने का टारगेट रखती है। क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो मार्च 2023 की जो सेल्स थी 99 करोड़ की, उसके बदले 122 करोड़ की सेल्स इस बार की है, जो कि 23% से ग्रो करके आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है, 21% से बढ़ के 23% हुआ है, एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 16% से बढ़ के 19% हुआ है, यानी कि नेट प्रॉफिट में भी अराउंड 18% का जंप आपको देखने को मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी का जो करंट जो टॉप लाइन है वो हाईएस्ट एवर है, एंड बॉटम लाइन की भी बात करें तो करंटली हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन पे नज़र आती है। करंटली कंपनी 422 करोड़ का सेल्स किया है, एंड उस पर 66 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। हेल्दी बैलेंस शीट है, जिसमें आपको कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ बोरोइंग आप देख सकते हैं, 2016 से अभी तक लगातार ये कंपनी आपको डेट फ्री नज़र आएगी।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास अराउंड 70% का स्टेक है एंड रिमेनिंग आप देखेंगे 29% का स्टेक आपको पब्लिक के पास नजर आएगा। तो ये थे आज के दो स्टॉक जो इंफ्रा से रिलेटेड है, साथ ही साथ ऐसी थीम पे काम करते हैं जिस पे गवर्नमेंट भी फोकस करना चाहती है। तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक्स यहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं क्योंकि हाई आरओई वाले और लो डेट वाले ये स्टॉक्स फ्यूचर में अच्छे रिटर्न देने में सक्षम नजर आएंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए था, किसी भी टाइप का बाय या सेल रिकमेंडेशन देना इस वीडियो का पर्पज नहीं था। इस वीडियो को आप अपनी रिसर्च का फर्स्ट पॉइंट मान सकते हैं, देन इस वीडियो के बाद आप अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे, इन स्टॉक्स को आप मेजर कर सकते हैं, देन अगर ये स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं तभी आप इन स्टॉक्स को बाय करने का डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।